गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम SST का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमेजिंग आर्ट्स। अमेजिंग आर्ट्स में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो ये होता है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से कला के क्षेत्र हैं और उनको लोग किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई कला ज़रूर छिपी हुई रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को डांसिंग का होता है, किसी को पेंटिंग का होता है, किसी को म्यूजिशियन का शौक होता है। तो ये सभी हमारे आर्ट्स कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं, टीना एंजॉय सिंगिंग ड्यूरिंग हर फ्री टाइम्स। यानी टीना जो है वो, उसको कौन सा आर्ट है, वो सिंगिंग बहुत अच्छी करती है, यानी वो हमेशा फ्री टाइम में सिंगिंग एंजॉय करती है। तारा इज़ लर्निंग टू पेंट फ्रॉम आंट मीनी। तारा क्या करती है, अपनी आंटी है उनसे वो क्या करना सीखती है, पेंट करना सीखती है। रहीम इज़ ए गुड एट प्लेइंग द गिटार। रहीम क्या करता है, बहुत अच्छा गिटार बजाता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम। इसके अलावा आपका फ्री टाइम, यानी आप पास टाइम में आपका फेवरेट क्या रह चुका है, यानी आपको किस चीज़ की कला का शौक़ है, तो आप मुझे बताना। जब भी आप स्कूल आए, मैं सभी से पूछूंगी उनको कौन कौन से अमेजिंग आर्ट्स अच्छे लगते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स वेराइटी ऑफ डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स। इंडिया तरह तरह के म्यूज़िक और डांस की वैरायटी को प्रस्तुत करता है। हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के डांस और म्यूज़िक होते हैं। इट इज़ ऑल्सो हैज़ इज इट्स ऑन ट्रेजर ऑफ पेंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। यानी इट इज़ ऑल्सो नोन, यानी इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि वो डांस और म्यूज़िक ही हो, इसके अलावा जो हमारी पेंटिंग और एम्ब्रॉयडरी है वो भी हमारे आर्ट्स के अंदर आती है। द डांस ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फोक एंड क्लासिकल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है डांस फॉर्म। तो डांस फॉर्म जो होते हैं वो हमारे इंडिया में टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। यानी दो तरह के डांस होते हैं, क्लासिकल और एक फोक। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है फोक डांस। फोक डांस कौन कौन से होते हैं वो हम आपको इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं। फोक डांस आर परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेलिब्रेटेड द अराइवल टू ऑफ सीजन सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एंड वेडिंग ऑफ फेस्टिवल। लेट अस रीड अबाउट सम फोक डांस दैट आर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यानी हमारे जो फोक डांस है वो ग्रुप में होते हैं। ये कब करवाए जाते हैं, यानी ये हर जब ग्रुप में इसे कई लोग इसके साथ ग्रुप में डांस करते हैं और ये एक सीज़न के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कौन कौन से सीज़न होते हैं, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी हमारे इंडिया में जब फसल अच्छी उग जाती है तो उसकी खुशी में जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं तब ये फोक डांस होता है। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, यानी किसी बच्चे का जन्मदिन हो या बच्चे का जन्म हुआ तभी भी फोक डांस होता है। अ वेडिंग और फेस्टिवल, वेडिंग और फेस्टिवल में भी ये डांस किए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट सम फोक डांस दैट आर पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। यहाँ पर भी क्या होता है, फोक डांस अलग अलग क्षेत्र, यानी अगर हम राजस्थान में तो हमारा फोक डांस अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, इस सभी जगह के अलग अलग फोक डांस होते हैं। तो लेट अब हम बात करते हैं कि अलग अलग स्टेट के जो फोक डांस हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बिहू इज़ ए फोक डांस फ्रॉम असम। बिहू जो फोक डांस है वो कहाँ पे होता है, असम में होता है। इट इज़ रिलेटेड टू द हार्वेस्ट फेस्टिवल। इट इज़ परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वीमेन। तो इस दिन क्या होता है, ये असम में होता है और ये मेन चीज़ क्या होती है इसमें कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल में होता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल पर ही इसे क्या करा जाता है, परफॉर्म किया जाता है, और ये इसको परफॉर्म करने वाले मैन एंड वीमेन दोनों ही होते हैं। द डांसर वेयर कलरफुल ट्रेडिशनल क्लॉथ। ढोल यानी ड्रम एंड पीपा हॉर्न आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन दिस डांस। इस दिन क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं कलरफुल,
और इस दिन जो इस डांस को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है वो होते हैं ढोल और यानि ड्रम, पीपा यानि हॉर्न और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इस डांस को किया जाता है। उसके बाद है गरबा। गरबा इज़ ए परफॉर्म बाय वुमन ऑफ गुजरात, यानी गरबा जो परफॉर्म करती है वो वीमन करती है, कहाँ पर? गुजरात में करती है। इन इन्वॉल्व सर्कुलर मूवमेंट एंड रिदम क्लैपिंग। ये लोग कैसे गरबा करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल पर सभी लोग क्लैपिंग कर इस डांस को करते हैं। नेक्स्ट है लावनी। लावनी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग एंड डांस पॉपुलर इन महाराष्ट्र। इट इज़ ए परफॉर्म बाय फीमेल डांसर टू द बीट ऑफ ढोलकी। द फीमेल डांसर फ्रॉम महाराष्ट्र वियर टाइम यार्ड लॉन्ग सारीज। इस दिन क्या होता है, जो लावनी होती है वो कॉम्बिनेशन सॉन्ग होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन किसका होता है, सॉन्ग और डांस दोनों होता है। ये महाराष्ट्र का पॉपुलर डांस होता है, फोक डांस होता है। इसको परफॉर्म करने वाली जो होती है वो फीमेल डांसर्स होती है। और ये लोग किस बीट पर डांस करते हैं, ढोलकी के बीट पर डांस करते हैं। फीमेल डांसर फ्रॉम महाराष्ट्र फ्रेम 9 ईयर लॉन्ग साड़ी, यानी 9 मीटर की साड़ी पहनती है और उस साड़ी को पहनकर वो लोग डांस करते हैं। आपने मूवी में देखा होगा कि अक्सर जो मराठी जो लोग होते हैं वो किस तरह की साड़ी पहनकर डांस करते हैं, उसे ही हम लावनी कहते हैं। उसके बाद है भांगड़ा। भांगड़ा इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ पंजाब। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग वेडिंग। ये भांगड़ा जो होता है वो कहाँ का फेमस है, पंजाब का फेमस है। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग वेडिंग, यानी ये लोग कब परफॉर्म करते हैं, जब हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, इसके अलावा जब वेडिंग होती है उस बीच ये डांस ज़रूर होता है। द डांसर वियर कलरफुल ट्रेडिशनल क्लॉथ, ढोल, चिमटा एंड तबला आर सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज। डांसर्स किस बीट पर डांस करते हैं, इस दिन ढोल, चिमटा और तबले के इंस्ट्रूमेंट के साथ इस डांस को किया जाता है। इसके बाद है गिद्दा। गिद्दा इज़ अनादर फोक डांस फ्रॉम पंजाब। गिद्दा भी पंजाब का ही दूसरा फोक डांस माना जाता है। इट इज़ परफॉर्म बाय वीमन। इसको परफॉर्म करने वाली कौन होती है, वीमन होती है। गिद्दा इज ऑफ्टन अकम्पनीड बाय फोक डांस पोइम्स नॉन एज बोलियान, यानी इस दिन जो पोइम्स होती है, कविताएँ होती है, उसके आधार पर उसको जानने के लिए ये डांस किया जाता है। उसके बाद है घूमर। घूमर इज़ ए फोक डांस पॉपुलर इन राजस्थान। घूमर कहाँ का पॉपुलर डांस है, हमारे राजस्थान का फोक डांस है। इट इज़ परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ फीमेल डांसर ड्रेसेस इन घाघरा, यानी ये लोग परफॉर्म करती हैं कौन, फीमेल एक ग्रुप में, और उस दिन वो लोग क्या पहनकर डांस करते हैं, घाघरा पहनकर ही डांस करती है, इसे हम घूमर डांस कहते हैं। इसके बाद है भरत। लेट अस रीड अबाउट सम क्लासिकल डांस, यानी हमने इससे पहले जो बात की है वो कौन सी थी, फोक डांस की। फोक डांस आपको पता है कि स्टेट लेवल पर होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक डांस होते हैं, उसे हम लोकगीत या फोक डांस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं वो है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस हमारे इंडिया की सबसे जानी माना डांस माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम पॉपुलर इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका। भरतनाट्यम जो डांस है क्लासिकल, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ पर है, टू स्टेट्स यानी तमिलनाडु एंड कर्नाटका का सबसे फेमस डांस है। इट इज़ ऑलमोस्ट 2000 ईयर ओल्ड। इस डांस को ऑलमोस्ट 2000 यानी 2000 साल हो चुके हैं। द डांसर वियर ए यूनिक सेट ऑफ ज्वेलरी, यानी डांसर उस दिन जब भी ये डांस करते हैं यूनिक टाइप की ज्वेलरी पहनते हैं, यानी अलग तरह की ज्वेलरी पहनते हैं।
अकम्पनिंग म्यूजिक इज द कर्नाटिक स्टाइल पॉपुलर इन साउथ इंडिया। यानी कंपनिंग, यानी जब भी कंपनिंग के म्यूजिक्स होते हैं कर्नाटक स्टाइल में, यानी कर्नाटिक स्टाइल जो होता है उसमें म्यूजिक दिया जाता है पॉपुलर साउथ इन इंडिया। ये डांस सबसे ज़्यादा पॉपुलर साउथ इंडिया में माना गया है। सेकंड है कथक। द वर्ड्स कम फ्रॉम द वर्ड कथा और द वर्ड कथक कम फ्रॉम द वर्ड कथा और आर्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग। यानी कथक जो है वो एक किस वर्ड से बना है, कथा यानी स्टोरी टेलिंग, यानी किसी की कथा बताने वाले को। जब कथक एक डांस के रूप में परफॉर्म किया जाता है उसे हम कथक कहते हैं। इसी तरह ये जो डांस होता है वो क्या बताता है, स्टोरी टेलिंग। यानी जब भी वो कोई डांस करता है तो किसी की कहानी को क्या करता है, हमें दिखाने की कोशिश करता है। इस डांस की यही एक इम्पोर्टेंस मानी गई है। देयर वेयर कथकर्स और स्टोरी टेलर्स हु यूज टू रिसाइट स्टोरीज अलोंग विद म्यूजिक माइंड एंड डांस। इन कथक द स्ट्रेस इज मोर ऑन फुटवर्क। जो कथक होता है वो क्या है, अलोंग विद, यानी इसमें हमेशा कोई स्टोरी होती है म्यूजिक के अंदर और उस म्यूजिक पर लोग डांस करते हैं, यानी स्टोरी टेलिंग बताने की कोशिश करते हैं। ये जो डांस होता है वो फुटवियर होता है, यानी फुट कदम यानी पैरों की आहट से ही इस डांस को किया जा सकता है। ये पैर फुट, इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो होते हैं वो हमारे फुटवियर होते हैं, यानी पैरों के आधार पर ही इसे डांस किया जा सकता है। इसके बाद ही कथकली इज़ ए क्लासिकल डांस फ्रॉम ऑफ केरला। कथकली कहाँ का फेमस डांस है, क्लासिकल डांस केरला का। द वर्ड कथकली मीन्स स्टोरी प्ले। कथकली मीन्स क्या होता है, स्टोरी प्ले, यानी कोई भी स्टोरी के साथ खेल करना। इट इज़ नोन फॉर ए मेकअप एंड कॉस्ट्यूम। कथकली बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरी, यानी इस पर जो मेकअप किया जाता है, कॉस्ट्यूम किया जाता है, वो आप सभी जानते हैं कि जो इस टाइप का आप देखें कथकली, इसमें सिर्फ केवल जो होता है वो इसका फेमस जो होता है वो मेकअप होता है। कथकली इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरी। माइथोलॉजिकल स्टोरी यानी पौराणिक कथा, यानी जो लोग पुरानी कथाएं होती थी उसी पर बेस्ड होता है डांस। इसके बाद ही कुचिपुड़ी इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फ्रॉम साउथ इंडिया। कुचिपुड़ी जो है वो इन साउथ इंडिया का सबसे फेमस डांस माना जाता है। कुचिपुड़ी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द कुचिपुड़ी विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो डांस है वो साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया के एक विलेज है उसमें आंध्र प्रदेश, यानी ड्राइव से वहाँ पर आंध्र प्रदेश जो जगह है वहाँ पर एक गांव है उसके आधार पर ये डांस किया जाता है। मेरी डंगम एंड वीना आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर प्ले ड्यूरिंग एंड कुचिपुड़ी परफॉर्म्स। यानी मेरी डंगम एंड वीना इसके सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसी बेस पर कुचिपुड़ी परफॉर्म्स किया जाता है। इसके बाद है मणिपुरी। मणिपुरी डांस वॉज बोर्न इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुरी जो डांस होता है वो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है मणिपुर वहाँ का फेमस है। कॉस्ट्यूम आर कलरफुल एंड यूनिक। इसमें भी जो डांसर होते हैं वो कॉस्ट्यूम कलरफुल और यूनिक तरीके के कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इसके बाद है ओडिसी। ओडिसी वाज बोर्न इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिसी जो डांस है वो ओडिशा जो हमारा स्टेट है वहाँ पर जन्म हुआ, यानी वहाँ का फेमस डांसर, वहाँ पर फेमस डांस है ये ओडिसी। द क्लासिकल डांस फ्रॉम द ऑलमोस्ट 2000 ईयर ओल्ड। ये भी क्लासिकल डांस को 2000 साल पूरे पुराना जो डांस है वो माना गया है। इट इज़ ओडिसी टू मोस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म। द यूज फॉर मुद्रास और गेस्टुरेस हेल्प टू टेल अ स्टोरी। ये जो मुद्रास और गेस्टुरेस हेल्प होती है उसे टेल ए स्टोरी के नाम से, इसमें
गेस्टर इसमें जो डांस होता है वो क्या होता है, मुद्रास और गेस्टरस हेल्प यानी इशारों के तौर पर इस आँखों के इशारों से इस डांस को किया जाता है। इसके बाद है, अब हम बात करने जा रहे हैं, डांस की पूरी हो चुकी है, हमने बात कर ली है कि कौन कौन से क्लासिकल डांस होते हैं। सबसे पहला जो होता है भरतनाट्यम होता है, फिर कथक होता है, फिर कथकली होता है, कुचिपुड़ी होता है, मणिपुरी होता है और ओडिसी होता है। अब हम बात कर रहे हैं पेंटिंग्स की। अब हमारे इंडिया की जो अमेजिंग आर्ट्स में जो आने वाली चीज़ें वो है पेंटिंग्स। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया की कितनी फेमस पेंटिंग होती हैं, तो अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। लेट अस रीड अबाउट सम फेमस स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। मधुबनी पेंटिंग इज ए प्रैक्टिस इन स्टेट ऑफ बिहार इन ए पैलेस कॉल्ड मधुबनी। इन द पास इट वॉज मॉडर्न इज मर्ड वॉल्स एंड हर्ट्स। मधुबनी जो पेंटिंग्स होती है वो प्रैक्टिस कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो कहाँ पर है, बिहार के मधुबनी। बिहार इन ए पैलेस कॉल्ड मधुबनी यानी बिहार की जो पैलेस है मधुबनी, वहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस मानी गई है। इन द पास्ट इट वॉज डन ऑन मर्ड एंड वॉल्स ऑफ हर्ट्स। ये पेंटिंग कहाँ पर होती थी, मर्ड्स वॉल्स एंड हर्ट्स पर हुआ करती है। टुडे द बेस फॉर दिस पेंटिंग इंक्लूड क्लॉथ कैनवास एंड हैंडमेड पेपर। लेकिन आज के ज़माने में जो ये पेंटिंग होती है वो कहाँ पर होती है, इंक्लूड क्लॉथ कैनवास एंड कैनवास एंड हैंडमेड पेपर पर भी ये पेंटिंग बनाई जाती है। इसके बाद पत्ता चित्र इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पेंटिंग प्रैक्टिस इन ओडिशा। पत्ता चित्र जो पेंटिंग है वो कहाँ की है, ओडिशा की फेमस स्टाइल मानी जाती है। पत्ता मीन्स क्लॉथ एंड चित्रा मीन्स पेंटिंग। पत्ता मीन्स इसको इसलिए बोलते हैं पत्ता चित्र, यानी पत्ता मीन्स क्या होता है, क्लॉथ यानी कपड़ा, एंड चित्रा मीन्स पेंटिंग होती है। दिस फॉर्म पेंटिंग हैज़ ए क्लॉथ बेस। ये पेंटिंग जो होती है क्लॉथ बेस होती है। स्टोरी आर्ट डिपिक्टेड यूजिंग दिस आर्ट फॉर्म। ये स्टोरीज डिपिक्टेड करती है किसके, जो भी ये पेंटिंग होती है आप वो क्या काम आती है, स्टोरी एंड डिपिक्टिंग के यूज के फॉर्म में ही इस पेंटिंग को किया जाता है। इसके बाद है वर्ली आर्ट इन अबाउट 400 ईयर ओल्ड। वर्ली आर्ट जो है 400 साल पुराना है। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन विलेज कॉल्ड वर्ली इन महाराष्ट्र। ये कहाँ, महाराष्ट्र के एक विलेज की वर्ली, एक महाराष्ट्र का जो विलेज है वहाँ का फेमस है, वहीं से ये आर्ट निकला था। दिस पेंटिंग यूज सर्कल ट्राइंगल एंड स्क्वायर। ये पेंटिंग किस रूप में की जाती है, ट्राइंगल सर्कल एंड स्क्वायर के रूप में की जाती है। तंजोर पेंटिंग वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस इन द टॉन एंड तंजोर इन तमिलनाडु। तंजोर पेंटिंग कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। तंजोर तमिलनाडु का एक गांव है, टाउन है, वहाँ पर ये पेंटिंग यूज़ की जाती है, यानी प्रैक्टिस वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होती है। दिस आर्ट फ्रॉम डेट्स बैक टू वेरी ओल्ड टाइम व्हेन द रीजन एंड वॉज रूल्ड बाय द चोला रूल्स हो इंक्रेज्ड आर्ट। ये जो पेंटिंग है ये डेट्स बैक टू वेरी ओल्ड यानी बहुत टाइम पहले की जो भी पेंटिंग हुआ करती थी, बहुत पुरानी पेंटिंग मानी जाती है। और ये जो पेंटिंग होती है वो चोला रूलर्स हो इंक्रेज आर्ट में आती है। इसके बाद है राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग एज नेम सजेस्ट वॉज प्रैक्टिस इन राजस्थान। राजस्थानी पेंटिंग सजेस्ट प्रैक्टिस कहाँ पर होती है, राजस्थान में ही होती है। इट इज़ फाउंड ऑन वॉल्स फॉर स्ट्रेस पैलेसेस एंड इनर चैम्बर ऑफ रॉयल कोर्ट्स।
ये देखो, हम जो भी राजस्थानी पेंटिंग बनाते हैं वो अक्सर ज़्यादातर वॉल्स में होती है, यानी दीवारों पर होती है, फोर्ट्रेस पर होती है, पैलेसेस में होती है और इनर चैम्बर में भी ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि राजस्थान के जितने भी हम महल में चल जाएँ उसमें पेंटिंग ज़रूर देखने को हमें मिलती है। द कलर यूज इन दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग वेयर क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट माइनरल्स, यानी इस पेंटिंग में जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं बहुत डिफरेंट और बहुत सृजनात्मक, यानी नए नए तरीके के कलर यूज़ किए जाते हैं। कलर वेयर ऑप्टेंड बाय मेल्टिंग प्रेसियस स्टोन गोल्ड एंड सिल्वर, यानी इसके जो कलर होते हैं इसमें वो क्या होते हैं, स्टोन होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती जो होते हैं उसमें गोल्ड एंड सिल्वर स्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करता है। जैसे हम अगर राजस्थान के महलों में हम सिटी पैलेस की बात करें तो वहाँ की जो वॉल्स के अंदर कहते हैं कि पेंटिंग के अंदर गोल्ड, यानी गोल्ड जो सोना होता है वो उसकी पेंटिंग हुई हुई बताते हैं। तो अगर आप कभी भी जाएँ तो वहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर गौर कीजिएगा कि इन पेंटिंग्स में खासियत कौन कौन सी है। नेक्स्ट जो है, हमारी पेंटिंग पूरी हो चुकी है, अब हम बात करें एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स, ये भी हमारे इंडिया के अमेजिंग आर्ट्स में आता है। एम्ब्रॉयडरी कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग रेस डिज़ाइन इन थ्रेड ऑफ सिल्क कॉटन गोल्ड एंड सिल्वर ऑन ए क्लॉथ सरफेस, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ नीडल, यानी जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसको अक्सर लोग किस रूप में करते हैं, एक डिज़ाइनर के रूप में करते हैं, और किस पेंटिंग जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो किस काम आती है, किस चीज़ से की जाती है, सिल्क कॉटन गोल्ड एंड सिल्वर ऑन ए क्लॉथ सरफेस, यानी ये सभी चीज़ें किस पर की जाती है, कपड़ों पर की जाती है, किसके सहारे, नीडल यानी सुई के सहारे हम इन एम्ब्रॉयडरीज को करते हैं। इंडिया इज़ फेमस इस एम्ब्रॉयडरी स्टाइल ऑफ नीडल वर्क, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव देयर यूनिक स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस है सुई के ज़रिए एम्ब्रॉयडरी करने के, यानी इंडिया में जो भी एम्ब्रॉयडरी होती है वो हाथ के द्वारा बनाई जाती है। हाथ से हम क्या करते हैं, सुई के आधार पर नई नई एम्ब्रॉयडरी करते हैं। इंडिया के ऑलमोस्ट यानी हर एक स्टेट के अंदर, ज़्यादातर स्टेट्स में एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा चलन हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल काठा वर्क फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो काठा वर्क जो होता है वो वेस्ट बंगाल का फेमस है, कसूटी ऑफ वर्क ऑफ कर्नाटका का, कसूटी जो वर्क होता है कसूटी वो कर्नाटका का फेमस है, फुलकारी फ्रॉम ऑफ पंजाब, जरी वर्क ऑफ तेलंगाना आर वेरी पॉपुलर इन ए ग्रेट डिमांड, यानी ये सभी जगह के फेमस एम्ब्रॉयडरी कहलाई जाती है। डिफरेंट फूड आइटम, लैंग्वेज, क्लॉथ फॉर्म, डांस फॉर्म ऑफ डांस एंड पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी एंड फेस्टिवल मेक ओवर कंट्री स्पेशल। इसके अलावा फूड आइटम भी हमारे इंडिया के अमेजिंग आर्ट्स में आते हैं, लैंग्वेजेस आती है, क्लॉथ्स आते हैं, फॉर्म्स ऑफ डांस एंड पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी एंड फेस्टिवल मेकअप मेक ओवर कंट्री स्पेशल, यानी हमारे इंडिया में ये सभी चीज़ें हमारे इंडिया की खासियत को जाहिर करने के लिए काम आती है। इसके यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल में आके। थैंक यू।